अगर आप लोग आना चाहते हैं तो वोट कार्ड लेके आना गाइस, नहीं मिलेगा। आई लव यू को क्या बोलता है बहन? नाक की छिलूंगा। एंड गाइस फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं। आप लोग बोली दो, कैसा है दूसरा का नजारा? बहुत अच्छा है। यह सिस्टम बहुत ही तगड़ा हो चुका है भूटान का। ये जो दिख रहा है ना आप, यहाँ पे शाम को ना गाइस यहाँ पे लाइटनिंग होता है एकदम। बहुत मेहनत लगा है, सब बिल दिए गए हम लोग ना, पूरा पूरी बहुत मेहनत किया। तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू विशाल सिटी व्लॉग्स। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ फुनसिलिंग भूटान। भूटान का आज सब चीज आप लोग को एक्सप्लोर कराने का एकदम फुल एंड फुल ट्राई करूंगा। मेरा व्लॉग के थ्रू से आप लोग को भूटान थोड़ा एक्सप्लोर कराऊंगा, तो यार आप लोग को भी मजा ही मजा हो जाएगा। एंड आप लोग घर बैठे बैठे पूरा पूरी भूटान घूम सकते हैं। और ये व्लॉग मिस मत करना गाइस, ये व्लॉग मिस कर दिया तो पूरा पूरी भूटान प्लेस ही मिस हो जाएगा। लॉकडाउन के कारण पूरा पूरी भूटान बंद हो गया था, तो 2.5 ईयर्स में ना गाइस पूरा पूरी चेंज हो चुका है। तो अभी हम घर से निकल रहा है, मेरे साथ भाई भी है, तो हम दो जन जाएंगे आज। सो गाइस फाइनली भाई भी आ चुका है। यस भाई, फाइनली गाइस मैं एंटर करने वाला हूँ भूटान। तो भूटान एंट्रेंस ऐसा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चेकिंग वेकिंग होता है, जो हम लोग आईडी प्रूफ है। सो गाइस फाइनली चेकिंग भी हो गया और यहाँ पे पैसा का सिस्टम है, आप लोग देख सकते हैं। आगे पे यहाँ पे 10 रुपए करके देना पड़ता है, ये पैसा देने के बाद मिलता है। गाइस आप लोग देख सकते हैं लाइक एयरपोर्ट में जो होता है ना, वैसा ही टाइप का सिस्टम है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेस्ट रूम है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। और हम लोग का तो पहले ही रजिस्ट्रेशन हो गया है। सिस्टम बहुत ही तगड़ा हो चुका है भूटान का। अगर आप लोग पहले आ रहे हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना। यहाँ पे हम लोग का लास्ट चेक होता है, उसके बाद हम लोग को एंटर करना है गाइस भूटान। वेट कीजिए थोड़ी देर में, हम लोग एंटर कर रहे हैं। गाइस आप लोग देख ही सकते हैं अभी तो थोड़ा मोड़ा बारिश भी हो चुका है, लेकिन यार क्या ही बोलूं, भूटान का ऐसा पीस वाइब है ना, बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ का मोनास्ट्री है ना जो एकदम ही बढ़िया है मोनास्ट्री, पहले आप लोग को वही दिखाऊंगा। एंड पहले आप लोग देख लेना यहाँ का थोड़ा मोड़ा नजारा गाइस। सो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ का रूल तो क्या ही बोले हम लोग का इंडिया से, लेकिन मेरे को बहुत ही पसंद है। इंडिया से एकदम ही बढ़िया रूल है, एकदम पीस वाला है। तो गाड़ी का जो है लाइनिंग वगैरह भी बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, आप लोग देख ही सकते हैं एकदम। एंड गाइस जेब्रा क्रॉसिंग है ना यहाँ पे, जेब्रा क्रॉसिंग पे क्या है कि एकदम मतलब जब हम लोग क्रॉस कर रहे होते हैं हम लोग के लिए टाइम देते हैं। हम लोग का इंडिया में वैसा नहीं है, सच्ची इंडिया का बुरा ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है। एंड फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुंच गए भूटान का मोनास्ट्री, आप लोग देख ही सकते हैं। मेन बात क्या है कि सबसे पहले जो हम लोग भूटान एंटर करके जो मोनास्ट्री मिलता है, जो अभी तक का यहाँ का एकदम ही फेमस मोनास्ट्री यही है। यहाँ पे जो भी पहले भूटान एंटर करते हैं ये मोनास्ट्री तो एकदम आते ही आते हैं, ये मोनास्ट्री विजिट करके आगे कहाँ कहाँ जाने वो लोग जाते। तो आप लोग देख ही सकते हैं कैसा वाला मोनास्ट्री है, एकदम ही पीस है गाइस, पीस एकदम ही बवाल है। ये जो दिख रहा है ना आप, यहाँ पे शाम को ना गाइस यहाँ पे लाइटनिंग होता है एकदम, इवनिंग का टाइम में बहुत ही बढ़िया लाइटनिंग होता है। अभी तो लाइट नहीं क्योंकि उजाले में तो नहीं दिखता है, तो शाम के टाइम में एकदम ही बढ़िया वाला लाइट होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं PSA ग्राउंड, वहाँ पे बहुत सारा चीज़ मतलब कि डेवलप हो चुका है, रूल एंड रेगुलेशन जो पुलिस वगैरह है आप लोग देख ही सकते हैं इधर पे। मतलब भूटान छोड़ के दूसरा फॉरेन कंट्री हम कभी भी नहीं गया, फॉरेन कंट्री पे घूमने का मजा ही कुछ ही और है। आप लोग देख ही सकते हैं गाइस कितना ही सुंदर है ये फूल सब है ना गाइस, ये कैसा बढ़िया दिख रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं PSA एंड आप लोग को दिखाएंगे वहाँ का क्या कुछ चेंजेस हुआ है, क्या कुछ बन रहा है एकदम ही। एंड भाई का तो ये सेकेंड बार है ना भूटान एंटर लॉकडाउन के बाद, पहले तो नहीं पर रहता था। आज तो आप लोग के लिए आया हूँ कि भूटान कैसा है, क्या हो रहा है भूटान पे, क्या चल रहा है। यहाँ का मेन डिश पता है आप लोग क्या है?
दाची है गाइस, दाची। अभी हम लोग मार्केट भी जाएंगे, मार्केट में होगा तो दाची होने से आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा होता है दाची, ठीक है। देख रहे हैं ना हम लोग का जो इंडिया का जो है ना टीम, मतलब कि आर्मी, इंडियन आर्मी का ये लोग का यहीं पे ट्रेनिंग होता है। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले गाइस पीएसए पार्क। ये है मेन ब्रिज पीएसए का और ग्राउंड उधर पे पीएसए ग्राउंड। एंड गाइस फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से एकदम ही बढ़िया नजारा है भूटान का, इधर से भी देख सकते हैं। यार क्या ही बोलूं गाइस, एकदम ही पीस वाइब से भाई। पीएसए ग्राउंड जो मैंने आप लोग को बोला था, यहाँ पे भूटान का जो बड़ा बड़ा मैच सब होता है, फुटबॉल मैच वो सब होता है, यहाँ से आप लोग देख ही सकते हैं। अभी भी शायद मैच होने वाला है तो आप लोग देख ही सकते हैं गाइस, ये पीएसए ग्राउंड। तो यहाँ से मेन रोड दिखता है आप लोग, ऐसा टाइप से मेन रोड दिखता है ना, मतलब पहले ना ऐसा टाइप से यहाँ पे ये जो सीढ़ी आप लोग देख रहे हैं ना, ये सीढ़ी यहीं से नीचे में ख़त्म होता था, लेकिन अभी तो यहाँ से ज्वाइन कर दिया है और इधर से डायरेक्ट हम लोग पार भी निकल सकते हैं। यहाँ पे आदमी बैठ के देखेगा, यहाँ पे जो भी भूटान का मेन कंसर्ट वगैरह होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बड़ा मतलब कंसर्ट वगैरह होता होगा, बहुत ही चेंज हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पीएसए ग्राउंड, बहुत बार आया हम भूटान, बहुत ही साल आया, लेकिन अभी तक हम ये ग्राउंड नहीं आया हुआ था, तो फाइनली आज आ भी गया, एकदम ही यार मजा वाला है जगह, इतना बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक चीज़ का कमी लगा भाई, तुमको किस चीज़ का कमी लगा? मेरे को जितना लग रहा है यहाँ ऑडियंस का बहुत ही कमी है। उधर देखिए आप लोग देख सकते हैं बैठने के लिए जगह एकदम ही खाली है, सुना है, लेकिन ऑडियंस बहुत ही कम है। लेकिन कोई नहीं यार, हम लोग का इंडिया से ना, हम लोग का जयगांव से बहुत ही यहाँ पे मतलब मेंटेन किया। थैंक यू सो मच। विशाल क्षेत्री ब्लॉग्स। दादू पोस्ट कर। ओके भाई, थैंक यू सो मच। तो भाई लोग भी मिला यार भूटान से। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं फुटबॉल मैच स्टार्ट हो गया है, और गाइस यहाँ पे ना जो मैच हो रहा है अभी, ये आज तो संडे, आप लोगों को पता ही है आज संडे एकदम ही फंडे है, तो सैटरडे और संडे को यहाँ पे मैच होता है, और ये भाई लोग का भी है मैच। एंड भाई लोग बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से खेलना, ठीक है। थैंक यू सर। ओह यार बहुत ही फाड़ देना यार, ग्राउंड फाड़ देना, और जूता भी मत फाड़ना, एकदम अच्छे से खेलना, ठीक है। शायद अभी तो भाई मौसम बिगड़ रहा है ना, मौसम बारिश आने वाला है, आप लोग देख ही सकते, थोड़ा काला काला भी हो गया। अभी यहाँ पर भूटान पे ऑटोमेटिक एक छतरी लगेगा पानी के बचने के लिए, अभी ऑटोमेटिक यहाँ पे ना छतरी ऑटोमेटिक ऊपर से आ जाएगा, ये मतलब सच नहीं है गाइस, थोड़ा झूठ मूठ बोल रहा है। बहुत तेज हो रहा है। आप लोग ने यार कुछ नोटिस किया भूटान पे? हमने बोला था ना पीस है भूटान बोल के, अब देखिए गाड़ी वाड़ी चल रहा है एंड आदमी लोग भी चल रहे हैं, फिर भी मेरा वॉइस आप लोग सुन ही सकते कितना पीस सुन रहा है ना, एकदम साइलेंट, फुल एंड फुल पीस है गाइस, क्या ही बोले। और अभी हम लोग फाइनली ये मतलब कि भूटान का जो मार्केट है, एकदम ही बढ़िया वाला मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट ही यही है यहाँ पे जो फुनचोलिंग का मार्केट है, तो आप लोग को दिखाने वाला हूँ मार्केट कैसा है। तो मार्केट है ये गाइस, तो अभी हम लोग मार्केट के अंदर जाएंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। और गाइस आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे सब चीज़ मिलता है, वेराइटी एकदम ही बढ़िया वाला है। मेरा एक्चुअल में ना यहाँ पे पहली बार है जो मार्केट पे एंटर पहली बार किया हूँ, तो आप लोग भी किसी दिन भूटान आए तो, और भूटान में आप लोगों को कुछ सामान खरीदने का मतलब कुछ खाने के लिए और यूज़ करने के लिए भी बहुत सारा सामान मिलता है यहाँ पे, तो आप लोगों को दिखाऊंगा और क्या क्या सामान मिलता है। और मैंने दाची भी बोला था ना, दाची तो शायद यहाँ पे होगा, ये मछली है गाइस, तो इधर पे बहुत खाने का सामान भी है, और इधर पे आटा वगैरह है, और यहाँ पे सब्जी वगैरह भी है आप लोग देख सकते हैं, और हम लोग का जो इंडिया पे मिलता है ना सब्जी वब्जी वो भी सब चीज़ यहाँ पे मिलता है। और मैंने बोला था ना भूटान का फेवरेट डिश दाची, वो यहीं पे आप लोग देख ही सकते हैं, यही है गाइस दाची, एकदम ही बढ़िया है, आप लोग कभी भी भूटान आए ना ये दाची ले सकते हैं। इसका प्राइस कितना है दीदी? 50। अभी तो हम नहीं ले रहा है ना, लेकिन कभी भी आप लोग आएंगे यहाँ पे ये मार्केट पे तो ले लेना। एंड थैंक यू सो मच दीदी को, दीदी ने इतना मेहनत करके अपना दाची दे दिया। दीदी मार्केट का नाम क्या है, इसका मेन मार्केट का नाम समझ रहे हो आप लोग देख रहे हैं ना, ये ब्रिज, शायद ये ब्रिज को मैं तो होम पाइप ब्रिज बोलता हूँ, इसका नाम तो मेरे को पता नहीं, लेकिन बहुत ही पुराना, बहुत साल ही हो गया ये मतलब इस्टेब्लिश हुआ। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं एकदम बढ़िया वाला ब्रिज है। तो
गाइस क्या है ना कि मेरे को पता नहीं था यार भूटान पे भी ये सब मिलता है, उटुस पुटुस बोलता है। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, ये अभी हम तोड़ रहे हैं और ये हम अभी खाएंगे एंड बहुत ही मीठा होता है, मेरे को पता नहीं था। ये छोटा छोटा मेरा क्यूट क्यूट बहन सब ने खा रही थी, वो लोग को पता भी नहीं था कि ये खाते है बोल के। एंड तुम लोग क्या फूल लेके जा रहे हो क्या? क्या के लिए? एंड गाइस बहन लोग कुछ बोलना चाहती है आप लोग के लिए, एंड बहन लोग कुछ बोल दो। कहाँ गए बहन तुम लोग? तुरसा। ओ हम लोग भी उधर ही जा रहे हैं, हम लोग को तुरसा मतलब वो जगह है ना, हम लोग को एक्सप्लोर करना है। क्या क्या नंबर? कुछ हम बोला मतलब गुड मॉर्निंग अन्नी, आई लव यू को क्या बोलता है बहन? नागी छिलूगा। गाइस आप लोग को बहन बोल रहे हैं नागी छिलूगा, बहुत ही प्यार करती है ना बहन, तो बहुत ही खुशी लगा बहन लोग से मिला। ओके बहन, तो हम लोग फिर कभी मिलेंगे। एंड आप लोग भी तुरसा जा रहे हैं ना? अभी हम लोग भी तुरसा ही जा रहे हैं, तो तुरसा का नज़ारा दिखाना है हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि आप लोग बोली दो कैसा है तुरसा का नज़ारा? बहुत अच्छा है। एंड गाइस फाइनली हम लोग तुरसा रिवर साइड आ चुके हैं, भूटान का जो तुरसा रिवर साइड है, यहाँ पे जो पार्क बना हुआ है ना एकदम ही बढ़िया है। वैसे मेरे को ना जितना लगा यहाँ पे बहुत ही पीस है, और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। गाइस देखिए एकदम ही बढ़िया सा है सीनरी, और मेन बात है कि हम लोग का क्यूट क्यूट बहन ने हम लोग को यहाँ पे लेके आया हुआ है, एंड बहुत ही धन्यवाद बहन लोग को। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे सब भी लोग आते हैं वीडियो बनाते हैं आके, एंड आप लोग देख ही रहे ना एकदम ही बढ़िया है। तो अभी तो बारिश भी हो रहा है, देख ही रहे वहाँ पर आप लोग, वहाँ तक है एंडिंग, वहीं तक होता है क्योंकि उधर तो हम गए भी नहीं है अभी हम लोग यहीं पे, क्योंकि उधर बहुत ही दूर है। आप लोगों को जितना कवरअप हो सका मैंने दिखाने का ट्राई किया। एंड गाइस बता देना आप लोगों को कौन सा जगह भूटान का एकदम ही पसंद आया, कॉमेंट कर देना। चल भी भाई, ओके सो अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी हम लोग एग्जिट करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे एग्जिट का रूल एक्चुअल में क्या है, क्या क्या होता है सभी दिखाएंगे, ठीक है गाइस? तो गाइस ये है एग्जिट, आप लोग देख सकते हैं। क्या है ना कि अंदर जाने के लिए भी पैसा लगता है और निकलने के लिए। गाइस जो ये रिसीप है ना ये यहाँ पे सबमिट होता है, आप लोग देख ही सकते हैं। लास्टली हम लोग का डॉक्यूमेंट चेक होता है। तो क्या है ना कि गाइस यहाँ पे स्कैनर वगैरह भी लगा हुआ है, जो कि आप लोग सामान लेके आते हैं यहाँ पे एक बार स्कैन होता है। सो फाइनली अभी हम लोग इंडिया आ चुके हैं, और आप लोग को कौन सा वाला पार्ट अच्छा लगा? हम लोग ने आप लोग को बहुत सारा जगह भी एक्सप्लोर करवा दिया है, एंड आप लोग को कौन सा जगह अच्छा लगा प्लीज कमेंट कर देना, क्योंकि गाइस भाई बोली दो यार कितना भीगा हुआ है। बहुत मेहनत लगा है, सब भीगे हैं हम लोग ना पूरा पूरी, बहुत मेहनत किया। तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि आप लोगों के लिए यार जो भी हो रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज वैसे मेरा भूटान जाने का प्लान नहीं था, और सोचा कि यार कुछ भूटान पे आप लोग के लिए, और जो बाहर से दिख रहे हैं एक बार भूटान विजिट करना यार, जो भी था बहुत ही सही था एंड बहुत ही बढ़िया लगा। एंड आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा प्लीज कमेंट कर देना यार, भाई लोग मेहनत तो करते ही रहेगा। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो वोट कार्ड लेके आना गाइस, वोट कार्ड से नहीं बोलना गाइस, क्योंकि वोट कार्ड मेन इंपॉर्टेंट है, आप लोग का जो वेरीफाई होता है वही है, सबसे पहले वोट कार्ड ही हम लोग को दिखाना पड़ता है। एंड गाइस आप लोगों को कैसा लगा? जितना मेरे को लगता है अच्छा ही लगा होगा। एंड टिल देन हम लोग अभी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, एंड बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।